पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने जोधपुर दौरे के दौरान पुलिस लाइन परिसर में महिला पुलिस बैरक और महिला पुलिस कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह सहित सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। महापौर कुंती देवड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पवार, समाजसेवी श्याम कुंटक और निर्मल गहलोत, बीजेपी नेता महेंद्र सिंह राठौड, जितेंद्र लोढ़ा भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, पुलिस 24 घंटे काम करती है, लेकिन जनरली हमारी इमेज जो है बाहर बहुत अच्छा नहीं है कि साहब ये पुलिस डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। लेकिन जहां समाज से भी आते हैं और हमारी मदद करते हैं और हमारे लिए सहूलियत पहुंचाते हैं, वहां बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो कोई तो वर्ग है जो इस हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारी सहायता के लिए तत्पर है। सर, जिस तरह से जवान पुलिस, जैसे महिला पुलिस भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी से, बच्चे छोटे हैं तभी घर में जाना है, होली दिवाली त्यौहार है, तीज त्यौहार है, उसके बाद महिला पुलिस उस तरह से ड्यूटी, महिला कैंटीन और महिला बैरक की जिस स्थापना हुई, आपको लगता है कि उनको एक संबल मिलेगा? बिल्कुल, बेसिकली क्या पहले इतनी महिलाओं की संख्या नहीं थी पुलिस डिपार्टमेंट में, जब इनकी संख्या बढ़ी है तो उस कंडीशन में ये भी ज़रूरत है कि उनकी जो सुविधाएं हैं वो अलग से एक्सक्लूसिव टाइप का मिले, ताकि उनको भी ड्यूटी करने के साथ साथ एक तनाव मुक्त माहौल भी मिले जहां वो ढंग से अपना ड्यूटी कर सके। सर, आप यहाँ एसपी रहे हुए हैं और आज डीजी बन के यहाँ है, इस परिवार में कैसा लगा? 91 में एसपी बन के आया था, बीच में एसपी बन के आया, अब आज डीजी बन के आया हूँ। मैं ताज़ा कर रहा हूँ, वही कह रहा था लोगों को कि इस रास्ते में और इस एरिया में पता नहीं कितनी बार चक्कर काटा हूँ, कितनी बार घुमाऊँ। भिवाड़ी की घटना वास्तव में पुलिस के लिए बिल्कुल चैलेंज है, इसीलिए पुलिस की तरफ से जितनी टीमें लगानी थी, जो से पीछा करना था वो हम कर रहे हैं, हमें कुछ लीड्स मिले हुए हैं। एडीजी क्राइम हमारे जाके वहाँ देख के लोगों को सेंसिटाइज करके गिरफ्तारी की प्रयास करके आए हैं, तो हमने उसको भी चैलेंज के तरह लिया है और हम उसको खोल के दिखाएंगे। पुलिसकर्मी जो है स्टाफ कमी के कारण गुजर रहा है, काफी चैलेंज से गुजर रहा है पुलिसकर्मी के आज सच अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी कई चीज़ों में प्रमोशंस नहीं हो पाए हैं, तो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल रैंक में देखा जाए वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितनी नफरी है उसमें भी हम काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हमने सबको काम देने का एक माहौल बनाए और सबसे काम लें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है।